नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। बात करेंगे अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री और दोनों के बीच में दावों का दौर और दावों की जंग दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बात करते हुए 2022 में 350 सीटें लाने का दावा किया, तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई सवाल उठा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कितने भी दावे कर लें कि वो 350 सीटें ले आएंगे, लेकिन बीजेपी के 45 एमएलए भी 2022 विधानसभा चुनाव में नहीं जीतेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार की जो नाकामियां हैं वो आवाम के सामने आ चुकी हैं और आवाम समझ चुकी है कि जो सरकार कर रही है वो बेहद गलत है और आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 350 सीटों के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो विकास की गंगा दोहरे तरीके से बहा जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में डबल इंजन की सरकार है और विकास बड़ी तेजी से हो रहा है प्रदेश में, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने सवाल उठाते हुए दावा किया है कि 45 विधायक भी अगर बीजेपी के जीत जाएं तो मुझे बताना आकर। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बदहाली फैली है वो बदहाली साफ संकेत देती है कि आवाम का मन अब बीजेपी से उब चुका है। अखिलेश यादव ने और भी कई आरोप लगाए और मौजूदा सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने हाथरस मामले को लेकर भी सवाल उठाए और साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो हालात काफी गंभीर हैं और बेटियों की सुरक्षा अब सुनिश्चित नहीं रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वालों के नेता ही बेटियों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरेआम बेटी के परिवार के लोगों को निशाना बनाया जाता है और सरकार इस पर सिर्फ दावे करती रहती है कि हम सबक लेंगे, लेकिन अब सरकार नहीं सबक लेगी बल्कि आवाम ने सबक ले लिया है और आवाम अब सरकार को सबक सिखा कर रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाथरस की बेटी के बाद अब वही की एक और बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर पिता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जो बताता है कि बीजेपी राज में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के रामराज में अपहरण दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसका जवाब देने की बजाय बंगाल और केरल में जनता को भ्रमित करने जा रहे हैं और वहां पर चुनाव प्रचार कर अपनी पार्टी की वाहवाही कर रहे हैं, जो कि बताता है कि सरकार के हाथ से उत्तर प्रदेश की कमान निकल चुकी है, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश को संभालने की बजाय अन्य राज्यों में जाकर के सरकार बनवाने की कवायद में जुटी है। अखिलेश यादव ने और भी कई मुद्दों पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि 45 विधायक भी इनके नहीं जीतेंगे, इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं वो हालात काफी गंभीरता की तरफ संकेत कर रहे हैं और गंभीरता अब आवाम में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी, विकास, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे पर सरकार फेल दिखाई दे रही है और इन मुद्दों पर जब कोई सवाल करता है तो सरकार उसे देशद्रोही, देश विरोधी करार देती है और अपनी वाहवाही करने के लिए अपने नेताओं की फौज मैदान में उतार देती है कि जाओ लोगों को समझाओ कि ये लोग देशद्रोही हैं। लेकिन अब आवाम समझ चुकी है और यही वजह है कि आवाम के सामने जब बीजेपी के नेता जाते हैं तो आवाम उन्हें अपने गाँव में भी नहीं घुसने देती और उन्हें भगाने का काम करती है, उनके सामने नारेबाजी कर उनका विरोध करती है। बीजेपी की तरफ से जो दावा किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि वो 350 सीटें जीतेंगे, आपको क्या लगता है कि ये दावा सच साबित होगा? और अखिलेश यादव ने जो 45 सीटें जीतने का दावा किया है कि बीजेपी की सिर्फ 45 सीटें आएंगी, क्या ये दावा सच साबित होगा? अपनी राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।